Assalamualaikum. Hi there guys, welcome back to my YouTube channel after a really long time. I know, I hope आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे and today's video gonna be very informative क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि एक आप कैसे healthiest and quickest recipe बना सकते हैं for your breakfast. So यहाँ पे Elba का crispy crunch cereal box मैंने लिया है. This is how the box looks like and by the way this is high in fiber, it boosted your energy and this is all with whole grain and back side पे इसके सारे nutritional facts भी मेंशन हुए हुए हैं. फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, प्रोटीन एंड सॉल्ट एंड ऑल्सो यहाँ पे गाइडलाइन भी मेंशन हुई हुई है कि आपने डेली अमाउंट फॉर एडल्ट्स किस तरीके से लेने हैं, कितने ग्राम लेने हैं. एंड बाय द वे किड्स भी इसको ले सकते हैं बिकॉज इट्स रियली अ हेल्दी मील. ओके, सो This is produced and packed in Europe and easily available in Pakistan. ये मैंने इम्तियाज़ से लिया था and it costed me like 700 to 800. So yeah, box को open करेंगे तो this is how it looks like. It's a 250 gram packet. ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है and trust me guys, it's really good in taste. बहुत ही crunchy, fresh and बहुत ही मज़े का है. इसमें portion size भी mention हुए हुए हैं ताकि आप बहुत easily जो है वो अपना meal prepare कर सकते हैं. इसको अब मैं open कर रही हूँ. इसको मैंने open कर लिया है and अब मैं आपके सामने जो है वो इसको बनाना सिखाऊंगी. Oops, by the way ये बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने. इस पर आपके box पर जो है वो mention हुआ है कि आपने कितना portion size लेना है और कितनी calories आप जो है वो intake कर सकते हैं एवरी डे. 100 ग्राम बाय द वे रिकमेंडेड है फॉर एडल्ट्स कि आप इसको ले सकते हैं. मैं क्योंकि एक हाथ से वीडियो शूट भी कर रही थी और एक हाथ से मैं बना रही थी सो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी, तो ये ज़्यादा जो है वो आ गए थे. बट एनीवेज आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने डे फ्रेश का मिल्क लिया. इट्स अ हाई फैट मिल्क. आप चाहें तो आप नेस्वीटा भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ लो फैट मिल्क. मैंने यहाँ पे डे फ्रेश का मिल्क लिया है एंड अब आप जो मिल्क ऐड करेंगे वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने मिल्क ऐड किया है, आप देख सकते हैं. इट्स लाइक अबाउट लाइक हाफ कप. ठीक है, हाफ कप आप इसमें मिल्क ले लें. आप चाहें ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. मैं जो है वो इसमें हाफ कप ले रही हूँ. आप इसमें अपनी मर्जी से ले सकते हैं. ठीक है, और इसको जो है जैसे ही मैं मिल्क ऐड करूँगी, मिल्क के पैक में 160 कैलोरीज मेंशन हुई हुई है लेकिन क्योंकि मैं इसका फुल पैक नहीं लूँगी, इट्स मैं इसका हाफ कप लूँगी. ठीक है, तो इस हिसाब से इसकी कैलोरीज जो है वो एडजस्ट हो जाती हैं. मिल्क ऐड करने के बाद जैसे ही मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी, आप मिल्क के अलावा इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो आप इसमें चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं. जितना कुछ ऐड करेंगे ये उतना ज़्यादा डिलीशियस होता जाएगा, बट क्योंकि ये हेल्दी है. हाँ, आप हनी वगैरह इसमें ज़रूर ऐड कर सकते हैं. मिल्क ऐड करने के बाद इसको यूजली 2 to 3 मिनट्स तक छोड़ देते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए. मुझे क्योंकि क्रंची और क्रिस्पी पसंद है तो मैं इसको जस्ट 1 से 1 मिनट तक इसको छोड़ के एंड फिर इसको ले लेती हूँ. सो वेरी हेल्दी एंड क्विकेस्ट रेसिपी. अगर आप स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, ऑफिस गोइंग हैं, इवन आपके किड्स भी इसको इंजॉय कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी हेल्दी. सो या आई होप यू गाइज हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. आई विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.